أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قد أرسلنا قبلك من رسلنا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا سبحان الله سبحان الله ولا تجد لسنتنا تحويلا الله أكبر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى مقاما محمودا
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني. وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين
الذين إلا خسارا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. मशहूर बड़ी मोहब्बत के साथ खूबसूरत अंदाज के साथ खालिक कायनात के पाक कलाम की तलावत फरमा रहे थे कारी अल्ताफ हुसैन रिज़वी साहब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका पढ़ना अपनी पाक और मुकद्दस बारगाह में शफ़े कबूलियत अता फरमाए और हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। जिस मोहब्बत से आपने समा किया उसी मोहब्बत के ज़रा सुभान अल्लाह एक बार फिर कह लो मोहब्बत ना सुभान अल्लाह। सामिन मोहतरम कुरान मजीद फुरकान हमीद से पहले तीन किताबें खालिक कायनात ने नाजल फरमाई लेकिन जब कुरान की बारी आई तो वो मुख्तलिफ तरीके से नाजल की गई। इससे पहले हुक्म होता नबी को कि फलां जगह पे या फलां पहाड़ पे किताब पड़ी है उठाओ और अपनी उम्मत को सुना दो लेकिन कुर्बान जाऊं जब मेरे आका की बारी आई फिर ये नहीं कहा कि फलां जगह पे कुरान पढ़ा है वो उठाओ और अपनी उम्मत को सुना दो बल्कि फिर क्या हुआ जिधर जिधर मेरे आका जाते रहे पीछे पीछे कुरान जाता रहा। अगर मेरे आका मक्के में है तो मक्की सूरत नाजर हो रही है अगर मेरे आका मदीने में है तो मदनी सूरत नाजर हो रही है और फिर कुरान एक ऐसी किताब है कि इस जैसी कोई और किताब नहीं है। इसीलिए शायर ने कहा है कि कुरान का कोई मुतबादल न बदल है कुरान का कोई मुतबादल न बदल है कुरान हर उकदाए दुश्वार का हल है। अरे कुरान मुसद्दक भी मुतहर भी मुबीन भी कुरान के हुफाज में जबरीले में भी कुरान के हुफाज में जबरीले में भी एक ये भी कुरान है एक वो कुरान है। ये कुरान भी बड़ा हसीन है जो 30 पारों वाला है अरे वो कुरान भी बड़ा हसीन है जो वद्दुहा के चेहरे वाला है वो कुरान भी बड़ा हसीन है जो वद्दुहा के चेहरे वाला है। है ये भी कुरान है वो भी कुरान इस कुरान के पारे हसीन है तो मेरे मुस्तफा के नजारे हसीन है। अरे इस कुरान के पारे हसीन है मेरे मुस्तफा के नजारे हसीन है ये भी कुरान है वो भी कुरान। अरे इस कुरान को पढ़ने वाला कार्य कुरान बन जाता है मेरे मुस्तफा को देखने वाला सहाबी रसूल बन जाता है ये भी कुरान। सामने मित्र बड़ा मोहब्बत वाला जुमला देने लगा है कि है ये भी कुरान है वो भी कुरान इस कुरान की सतरे क्या है मेरे मुस्तफा की जुल्फे क्या है। शर कहता है जुल्फ दे हर हर कुंडल उत्ते मोहब्बत वाले बैठे हो यार जुल्फ दे हर हर कुंडल उत्ते आशिक दा दिल मोले अरे हुस्न तेरे दी सिफत की आका काफिर कलमा बोले हुस्न तेरे दी सिफत की आका काफिर कलमा बोले तो मी वरिया कस्तूरिया दा मी वरिया कस्तूरिया दा जद यार नचोड़िया जुल्फा काबा उधर मुड़ गया साइन अरे काबा उधर मुड़ गया साइन जिधर यार ने मोड़िया जुल्फा और जुल्फ देखी है अरे जुल्फ देखी है कि नजरों ने गदा देखी है लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी है लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। 1400 साल पीछे जाते हैं लोग कल की बात भूल जाते हैं लेकिन हम 1400 साल पीछे जाते हैं जब मेरे आका की अदाओं को सैयद अबू बकर सदीक ने देखा अपना सब कुछ निछावर कर दिया सैयद उमर फारूक ने मेरे आका की अदाओं को देखा अपना सब कुछ निछावर कर दिया सैयद उस्मान गनी ने मेरे आका की अदाओं को देखा अपना सब कुछ निछावर कर दिया सैयद हैदर इकरार मौला यानी ने मेरे आका की अदाओं को देखा अपना सब कुछ निछावर कर दिया। सामने मतलब 1400 साल पीछे था ये लेकिन 1400 साल गुजरने के बाद जब गोलड़े के ताजदार ने गुंबद खिजरा के सामने बैठ के कहा आका दीदार फरमा दीजिए आका दीदार करा दीजिए 17 साल की उम्र थी उस वक्त हज साहब की कहा आका
दीदार करा दिए। जब मेरे आका ने गोंडरे के ताजदार को तीन मेहर अली शाह साहब को दीदार कराया, जब आदाओं को मेरे आका की तरफ देखा तो फौरन पुकार उठे कि मुख चन्न बदल शाह चानी है, मुख चन्न बदल शाह चानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर की हिम्मत बनिया इस सूरत में मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया मिलके कहना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मां अजमल का मां अहसन का किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखिया किथे जाड़िया ते की इजाज नजर विच तेरी के जेड़ा वेखे ओ डुब जावे, पेशानी ते चमक नुलानी ते नाले नैना कजल सुहाने, खुद तेरे ने मोली दुनिया इत्थे विरलाई जान बचावे, आजम एडा सोना माही एडा सोना माही सानू किधरे नजर आवे सानू किधरे नजर आवे। सामने मोहतरम कलाम काफी तवील था लेकिन साधु मोहतरम का हुक्म था कि इन्होंने जाना है आगे महफिल पे, इसलिए यही वाइंड अप करते हुए हमारे हमारे इलाका की खूबसूरत और हर महफिल में इनका शागिर्द होता है, मेरे पास अल्फाज नहीं है इनके लिए कि मैं इनको खराज तहसीन पेश करूं, लेकिन नारों के गूंज में इन्हें माइक इनके हवाले करता हूं। एक ही बात कहूंगा कि इन्होंने दुनिया में अपना नाम तो कमा लिया है, इंशाल्लाह जब कब्र में जाएंगे अल्लाह इनकी जिंदगी लंबी करे, इनका साया तादेर हम सब के सरों पे कायम और दायम रखे, लेकिन जब कब्र में जाएंगे मेरे आका का दीदार करेंगे ना उस वक्त भी आका की नाते सुनाते होंगे इंशाल्लाह। नारे तकबीर नारे तकबीर, बोल मेरे वीर बदल जाएगी तेरी तकदीर, नारे विसाल नारे विसाल नारे हैदरी। जनाब उस्ताद मोहतरम सल्लल्लाहु अलैका या وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله یہ غم نہیں کہ مجھے دو کلاموں کا کہا گیا ہے, ایک کلام کے دو شعر پیش کروں گا اور دوسرے کے بھی دو شعر پیش کروں گا اپنے ٹائم کو ملحوظ خط رکھتے ہوئے, تو یہ غم نہیں کہ روزے حساب کیا ہوگا, یہ غم غم نہیں کہ روزے حساب کیا ہوگا, میں نعت پڑھتا ہوں مجھ پر عذاب کیا ہوگا. آج کل محفلیں پڑھ پڑھ کے نا تو گلے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. یہ غم نہیں کہ روزے حساب کیا ہوگا, میں نعت پڑھتا ہوں مجھ پر عذاب کیا ہوگا, اور میرے تو ہاتھوں میں
मेरे मेरे तो हाथों में होगा हुजूर का दामन, मेरे तो हाथों में होगा हुजूर का दामन, मेरे गुनाहों का उस दिन हिसाब क्या होगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह हबीबल्ला को जुबान दे, मुझको जुबान मदह सराई या रब मेरे अल्लाह दे मुझको जुबान मदह सराई के लिए, जाना है मदीना में गदाई के लिए, यार बताओ मुझको गुलामी की सनत दरबारे रिसालत में रसाई के लिए, जाना है मदीना में गदाई के लिए। बलगलुला बे कमाल कमाल ही या रसूल अल्लाह, कमाल ही या हबीब अल्लाह, कमाल ही या रसूल। बलगलुला बे कमाल कशफ तुजा बे जमाल, हसुना जमीयो खिसाल सल्लो अले हे वाया ले सल्लो अले हे वाया ले सल्लो अले अदे वाया दे। तेरी मिसल है ना मिसाल सल्लो अदे वाया दे सल्लो अदे वाया दे सल्लो था क्या मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या मुझे क्या
कहां था काबिल ये हुजूर की बंदा परवरी है मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी मैं था मैं भी पड़ा था गुनाहों के ढेर पर मुझे उठा लाए मुस्तफा जी मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी मैं था औगनहार निकम्मा बेसमझ समय बख्ता अकल जंदा सी मार छड़िया मैं मस्कीन सा किसे कबूलिया ना दसा मैनू हर एक यार छड़िया फिर बूहा सैयदा दा मलके बह गया मैं हर एक ने जद दुरकार छड़िया सदके सजन हुजूर दी आल तो मैं इको नजर मारी फड़के तार छड़िया जी मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी मैं था क्या मुझे क्या बना जद हथ आए हथ मुर्शद दे एक अजब बहार आया सब मैल कुचैल खरोची गए भूया मन दिया खूब सफाया ओ मैनू पुछ देने यार सजन रल के ओ कितों रंग ता सजना पाया ने ओ कितों रंग ता सजना पाया ने ओ कितों रंग ता सजना पाया ने मैं अज़ करे ना हथ बन के मेरे रब दिया बे परवाइया ने एक कर्म है कमली वाले दा ओ चंगिया संग अखिया लाइया ने सग सजन हुजूर दियाल दा मैं छड़ी थोड़ ना कोई साइया ने जी मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी मैं था क्या मुझे क्या बना दिया मुझे इश्क़े अहमद अता किया हो भला हुजूर की आल का हो भला हुजूर की आल का सल्लो अलैहि बाया नेही सल्लो अलैहि बाया नेही सल्लो अलैहि बाया खामद जब सजन है यही दुआ हो जुबान पे या नबी मुस्तफा जी मरे जब सजन है यही दुआ जी मरे जब सजन है यही
मुकिया सा गईया मेरा छड़ गए काग बनेरा इनी गल रख याद मेरी तू बस प्यार है तेरा मेरा मापे सब सहेलड़ियां ओ मेनू ताना देवन तेरा या सरदार वसा जा झोंका किते पातड़ी वल फेरा दी मरे जब सजन है गई तू आजी मरे जब सजन है गई यही दुआ हो जुबान पे या नबी मुस्तफा मेरे कफन पर हो लिखा हुआ मेरे कफन पर हो लिखा हुआ सल्लो अलैहि वालैहि सल्लो अलैहि वालैहि